नमस्कार, मैं साक्षी, मैं न्यूज़ लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। रात में सोने से पहले फोन का इस्तेमाल खतरनाक। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का गलत ढंग से इस्तेमाल करना, लाइफस्टाइल और तनाव के कारण पूरे देश में लोग अनिद्रा की बीमारी से जूझ रहे हैं। एक निजी कंपनी द्वारा हैदराबाद समेत देश के प्रमुख शहरों में कराए गए एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि बड़े शहरों का एक बड़ा वर्ग इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की बीमारी के कारण परेशान है। वहीं इस परेशानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, खासकर मोबाइल के इस्तेमाल को एक प्रमुख वजह माना गया है। wiki.com नाम की कंपनी द्वारा हैदराबाद में हुए सर्वे के बाद अनिद्रा की बीमारी से परेशान लोगों से जुड़े कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद के करीब 79% लोग इंसोम्निया की बीमारी से ग्रस्त है। सर्वे में यह पता चला है कि ऑस्टर्न हैदराबाद के 48% लोग रात 11 से 1 बजे के बीच में सोते हैं, और इनमें एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सोते वक्त अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा 25% लोग ऐसे हैं जो कि हर रात सिर्फ 7 घंटे की नींद ही ले पाते हैं। सर्वे के दौरान हैदराबाद के 89% लोगों ने यह माना है कि रात के सोते वक्त एक दो बार उनकी नींद जरूर टूटती है। इसके अलावा 81% लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्सर काम करते वक्त नींद आने की शिकायत रहती है, और वह हफ्ते में 1 से 3 दिन काम के वक्त नींद के कारण परेशान भी होते हैं। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड करें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।